हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द राइट स्टफ में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हम जैसा कि आपको बताया था कि हम अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं, तो जो पहला लेक्चर है वो हमारा मेजरमेंट है। मैंने इसके पहले सिलेबस पूरा डाल दिया है और पूरा सिलेबस कवर होगा, ठीक है। और ये विद इन टाइम हम करेंगे, आपको हफ्ते में 2 से 3 लेक्चर मिलेंगे इस पर। और अभी फ़िलहाल मैं इस पर 7-8 लेक्चर डालने वाला हूँ 2-3 दिन के अंदर। तो जितना हमने कहा था हम वो पूरा करेंगे, बस आप आराम से हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेजरमेंट हम किसका करते हैं, ठीक है। देखेंगे फिर यूनिट्स कितनी टाइप की होती हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितनी टाइप की होती है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। फिर उसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे, जहाँ तक भी 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हो पाएगा हम पूरी चीज़ें कवर करेंगे। उससे बाद की जो बची चीज़ें हैं इस पे हमको लग रहा है कि 2 से 3 लेक्चर होंगे, और उसके लास्ट लेक्चर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही होंगे, लेकिन हर लेक्चर में 6 से 7 न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे कराए जाएंगे। और आपका इसका जो यूनिट का यूज़ है हम देखेंगे ये क्वांट में भी, जो आप क्वांट में कैसे शॉर्टकट लगा सकते हैं इस यूनिट का यूज़ करके, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। देखिए यहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको कि हम मेजर कर सकें। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख होंगे, लिखा होगा, जो भी डेफिनेशन लिखी होंगी आप उसको नोट कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम बताते रहेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, तो इन सब के अलावा वॉल्यूम है, डेंसिटी है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट कितना मूव कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हम मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं होती है? ऐसी चीज़ें जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे कि नॉलेज है, नॉलेज, ब्यूटी, इन सारी चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट नहीं है। अब फिजिकल क्वांटिटी की कुछ खास बात ये होती है कि ये जो, जैसा कि आप देखते हैं, जो हमारे नेचर में जो भी है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा क्या है, नेचुरल और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा इनका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना इसके आप मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, आप एक्चुअल क्वांटिटी को बता ही नहीं पाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये कि ये कार सपोज मूव कर रही है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर में देखा कि ये 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है, जबकि यहाँ वाला ऑब्जर्वर देखता है कि ये 100 किलोमीटर पर आर से जा रही है। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों जगह पे दोनों ऑब्जर्वर को मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है, 100, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, यूनिट। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किस जगह पे ये कार की जो स्पीड थी या वेलोसिटी आप कह सकते हैं वो किस जगह पे ज़्यादा थी। आपको वेलोसिटी और स्पीड ये चैप्टर 2 में पढ़ाया जाएगा, 1D मोशन में डिटेल में आपको पूरा डिफरेंस समझाया जाएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल यहाँ समझने के लिए आप इस पर ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, बस ये सोचिए, बताइए कि यहाँ जो 100 स्पीड है और यहाँ भी 100 स्पीड, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी स्पीड ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, या तो आप इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करिए, तब आपको एक्चुअल मैग्नीट्यूड पता चल पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर बात करें हम 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, और कितने सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में, 3600 सेकेंड्स होते हैं। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/8, तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/8 मीटर पर सेकेंड होते हैं। जब भी हमको इसमें कन्वर्ट करना होता है तो इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18, ठीक है। यहाँ से आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरा इसको याद रखने का तरीका ये है कि ये वैल्यू क्या है, दो चीज़ें करनी होती हैं, या तो आपको 5/18 या 18/5 करना होता है। अब आप अगर ये आप वहाँ पे ऐसे एग्जाम में आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए याद रखिए कि हमेशा बड़ी यूनिट से, जो बिगर यूनिट है उससे छोटी यूनिट में आना है, तो हमें क्या करना होगा, छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है, 5/18 मल्टीप्लाई करना होगा। और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो तो क्या 18/5 मल्टीप्लाई करना होगा इस केस में। अब बड़ी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आर, ये क्या है, बड़ी यूनिट है। तो यहाँ से हम 5/, अगर हम इसको किलो मीटर पर सेकंड को, आप यहाँ से देख सकते हैं मीटर पर सेकंड को,
इसको हम हटाते हैं, जो 100 मीटर पर सेकंड है इसको हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो अब ये छोटी यूनिट है, हमको कहाँ जाना है, बड़ी यूनिट में। तो हम क्या करेंगे, इसमें 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 आएगा कट के, और यहाँ 360 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इसका मतलब जो दूसरा ऑब्जर्वर, पहला ऑब्जर्वर था जिसको कि 100 मीटर पर सेकंड स्पीड दिखाई दी थी, ठीक है, एग्जांपल जो हमने लिया था, उसने ज़्यादा स्पीड ऑब्जर्व करी। तो उस चीज़ को हम कब बता पाए, जब हमें पता चला न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट। अब इस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है और हमको ये लेंथ चेक करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मेजर करना है। अब एक बार हम अपर स्केल से मेजर करेंगे, एक बार लोअर स्केल से। अगर हम बात करें अपर स्केल पे, ये वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट आपको दिख रही होगी जब काउंट करेंगे, जबकि लोअर स्केल में आपको यही सेम यूनिट कितना दिख रहा है, 15 यूनिट, सेम लेंथ 15 यूनिट की। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेम लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों स्केल, अपर और लोअर स्केल पे, जो हमने यहाँ पे यूनिट मेंशन होती है वो एक ऊपर वाले पे इंच है जबकि नीचे वाले पे सेंटीमीटर। इसलिए आपको ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड दिखाते हुए भी जो लेंथ क्या है सेम दिख रही है। इसलिए आपको ये जान लेना जरूरी है कि यूनिट के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको यूनिट भी लिखना इम्पोर्टेंट जरूरी होता है, तभी हम उस क्वांटिटी के एक्चुअल मैग्नीट्यूड को दिखा पाएंगे। अब एक इस एग्जांपल के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है दो टाइप की, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। अगर हम बात करें फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो ये वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब ये किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि अगर हम मास लिख दिए, ठीक है, तो इसमें से फिर कोई हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे, तो ये क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये जो यूनिट होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और डेराइव्ड क्वांटिटी का अगर एग्जाम्पल हम लेके समझें, तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। वैसे तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो 7 है, लेकिन मेनली अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मास, लेंथ और टाइम, देन हम इसको एक्सटेंड करेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम इसमें देखेंगे कि 7 फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी क्या क्या होती है। अगर यहाँ हम डायरेक्ट क्वांटिटी की बात करें, तो जैसे कि हम स्पीड लेते हैं, ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक डिस्टेंस पे और दूसरा क्या है, टाइम। चलिए देखते हैं आगे क्या है इस चीज़ को, अभी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी और इसका यूज आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो तीन है, एक लेंथ है, मास है, टाइम, इन तीनों पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जबकि अभी 7 हैं, लेकिन हम डिस्कस यहाँ पे 3 क्यों कर रहे हैं, और जो हमारे सिस्टम बनाए गए हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट MKS और CGS, आप लोग 9th क्लास में ये पढ़े होंगे। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड। सेकंड सब में ही है, ब्रिटिश में जो यूज़ करते हैं फुट, पाउंड और सेकंड, FPS इसको बोलते हैं, ठीक है, FPS। तो ऐसा था कि ये तीन ही फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके क्यों बनाया गया, क्योंकि पहले जब रिसर्च कर रहे थे सर आइजैक न्यूटन, आप देख सकते हैं, तो जो इनका बर्थ था 1642 टू 1727, मतलब इनकी जितनी भी रिसर्च हुई है इस टाइम पीरियड के बीच हुई है, और उस टाइम पे जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटी पता थी वो सिर्फ ये तीन थी, ये जो ऊपर तीनों हैं वही, यही तीन थी, लेंथ, मास और टाइम। जैसे कि आप अगर बात कर रहे हो कि ग्रेविटी की रिसर्च करी थी इन्होंने, तो ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी में होता है लेंथ अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, जब हम उसमें देखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना एक्सेलरेशन, तो वही क्या है ग्रेविटी, यही क्या है इंटेंसिटी है। तो अगर हम इसकी, इसमें क्या है मीटर और टाइम, दो यूनिट यूज हुई है, दो ही फंडामेंटल यूनिट यूज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो फंडामेंटल यूनिट हमको पता थी बस ये तीन थी, जबकि बाद में चल के ये 7 हो गए। तो इसीलिए अब जो पहले का ये सिस्टम बना हुआ है, इसीलिए इसमें सिर्फ 3 की बात करी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि यहाँ पे हमको ज़रूरत क्या पड़ी इन SI यूनिट की। तो SI यूनिट की ज़रूरत ये पड़ी क्योंकि आप अगर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन,
हर जगह देखे तो अलग यूनिट में मेजरमेंट होता है, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बनाया जाए जिसको हम क्या बोलते हैं SI यूनिट, ताकि हर कंट्री में अगर आप किसी को किसी में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन आप एक यूनिट में अगर बोलते हैं, आप अगर जाके मीटर की वैल्यू किसी भी कंट्री में बोलेंगे तो वो सारे लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे इरिस्पेक्टिवली कि वो उनके देश में क्या यूज हो जा रहा है। ठीक है, उनके देश में कुछ भी यूनिट यूज हो रही हो उसके अलावा ये भी जानते हैं SI यूनिट। तो SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सारे कंट्रीज को पता होती है, इसलिए ये एक सिस्टम बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं कुछ एग्जांपल से कि यूनिट का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, सकते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, मतलब ये एक टोटल डिस्टेंस अगर 2x है तो हाफ ऑफ डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस दी हुई है। अब एक आदमी है ये मूव करता है पॉइंट ए से बीच तक जाता है v1 स्पीड से और ये मिडिल पॉइंट से नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस बची हुई है उसको कवर करता है v2 स्पीड से। आपको बताना है इस ओवरऑल थ्रू आउट जर्नी इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप देखते होंगे कि आप लगाते हैं फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस चीज को हम बाद में जब चैप्टर नंबर 2 करेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि तभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये x है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी 2x। अब टाइम यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, आप जानते हैं कि v1 क्या होता है टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हो गया x upon v1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम x upon v2। और जब आप सॉल्व करेंगे, अभी इसको डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आप समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड क्या आ गई v1 v2 upon v1 plus v2। अब आपको ये समझना है कि ये क्यों है, ये v1 plus v2 upon 2 क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि ये डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी दो वैल्यूज पे इसका एवरेज डिपेंड कर रहा है, एक डिस्टेंस पे एक टाइम पे, इसलिए हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे। कुछ केसेस में भी हम डायरेक्टली लिख पाएंगे लेकिन उसको भी हम डिटेल में यहाँ समझ लेंगे। ये बेसिक्स आपके क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। अब इसको हम समझते हैं कि हम v1 plus v2 upon 2 क्यों नहीं लिख पाए, जबकि अगर हमको मास कैलकुलेट करना हो, डिफरेंट मास है, ठीक है, ये 3 तक का मास एवरेज कैलकुलेट करना हो तो ये हम क्या लिख देंगे, एवरेज मास क्या आ जाएगा 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, m1 plus m2 plus m3 divided by 3। अगर हम बात करें टाइम का तो यहाँ पे t1 plus t2, अगर मान लो 4 डेटा है हमारे पास, ठीक है, t3 t4, तो हम जितने डेटा हैं उतने से डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमको टी एवरेज मिल जाएगा क्योंकि ये फंडामेंटल क्वान्टिटी है। अगर बात करें हम क्वांटिटी की, जो फंडामेंटल है वो q1 q2 qn तक है, ठीक है, तो इसको n से डिवाइड करेंगे तो q एवरेज हमें मिल जाएगा, लेकिन ये किसी दो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा पाए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड करता है और दोनों क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इनकी ये जो एवरेज है ये दोनों पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए डायरेक्टली हम ये नहीं लगा सकते। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब इसका बहुत सारा एग्जांपल से हम समझने वाले हैं कि और क्या क्या यूज होते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो डिराइव्ड है, ठीक है, फंडामेंटल नहीं है, पी बाई एन के फॉर्म में, तो उसका अगर हमको क्यू एवरेज निकालना है और जो डेटा गिवन है q1 n1 है पहले के लिए, दूसरे के लिए q2 n2 है, ठीक है, तो उसका जो एवरेज निकालेंगे वो q1 into n1 plus q2 into n2 divided by n1 plus n2। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो वो क्या है d upon t, और इसके लिए डेटा क्या दिया था v1 t1, और दूसरे पार्ट के लिए डेटा क्या था v2 t2। अब अगर इसमें हम एवरेज स्पीड के लिए ये फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा v1 t1 plus v2 t2 divided by t1 plus t2। अब अगर हम ये देखें v1 स्पीड से t1 टाइम तक चला, v2 स्पीड से t2 टाइम तक चला, तो यहाँ पे हमको एवरेज क्या मिल जाएगा,
अगर ये बात करें हम इसकी देखें तो ये क्या है, ये आधा डिस्टेंस होगी या जितना भी डिस्टेंस होगी पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये आधा डिस्टेंस होगी, और ये रेस्ट भी क्या होगी, आधा डिस्टेंस। तो ये ऊपर बेसिकली क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। आप याद रखिएगा यहाँ पे P1 N1 और प्लस P2 N2 मत कर दीजिएगा, इसको ऐसा मत करिएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसको आगे हमको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ V1 into T1 क्यों किए, क्योंकि हमको ये ऊपर की वैल्यू में एब्सोल्यूट में ले जाना है, ठीक है, उसको अलग से काउंट करना है डी डिस्टेंस। तो जब V1 अपॉन T1 किए तो ये डिस्टेंस आ गया, V1 into T1 क्या आ गया, डिस्टेंस, और दूसरे में V2 into T2 भी क्या आ गया, डिस्टेंस। तो ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या आ गया, टोटल टाइम। तो अब किसी भी डिराइव क्वांटिटी जो इस फॉर्म में है P/N के फॉर्म में, ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ से एवरेज फॉर्मूला क्या मिल गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कब ये चीजें सेम होंगी, मतलब कहाँ हम V1 प्लस V2 अपॉन 2 लगा पाएंगे। तो वो तब हम लगाएंगे जब, जैसे कि आप देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम D1 T1 और D2 T2, अगर ये जो क्वांटिटी है क्यू पी बाई एन के फॉर्म में है, जब एन दोनों में सेम होगा, मतलब ये वेटेज है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इस वेटेज पे डिपेंड कर रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी, ये कम है ये ज़्यादा है, हालांकि ऊपर वाले पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस पे डिपेंड कर रहा है और ये अपॉन में इस पे डिपेंड करेगी वैल्यू, ठीक है। जब ये नीचे वेटेज दोनों का सेम हो जाए, यानी कि दोनों सेम टाइप तक मूवमेंट करें, या जैसे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, अभी एक एग्जाम्पल में कराते हैं, एक एग्जाम्पल कराएंगे, क्वांट में यूज़ करेंगे, और फिर देखेंगे कि इसका मिक्सचर और एलिगेशन में क्या यूज होता है। ये सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं, जैसे ही हम बात किए D1 और अपॉन T1 की, ठीक है, दूसरी बात D2 अपॉन T2 की, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही नीचे वाली वैल्यू सेम होगी, ठीक है, ये वेटेज सेम होगा, वहाँ पे हम क्या लगा लेंगे फॉर्मूला, डायरेक्टली वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे अगर इसमें हम लिखें तो V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2 एवरेज के लिए ये वैल्यू निकालें। अब ये दोनों की वैल्यू जैसे इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2, और यहाँ TD, ये TD सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे क्या बच जाएगा, 2T, एवरेज कहाँ लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब वेटेज सेम हो, तो ये डायरेक्टली हम एवरेज लगा सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि एक आदमी है, वो आधा टाइम 10 मीटर पर सेकंड से चलता है, और रेस्ट आधा टाइम किससे चलता है, 20 मीटर पर सेकंड से, और हमको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाने से अच्छा कि आप डायरेक्टली, क्योंकि टाइम क्या हो गया, नीचे जो वैल्यू है वो सेम हो गई, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगा सकते हो, 10 + 20/2, तो यहाँ 50, ये टाइम आप बचा सकते हो। ये कब बचेगा, जब आपका बेसिक क्लियर है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं। क्वांट का एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, दोनों का सीपी सेम है, ठीक है, यहाँ पे पहले पे प्रॉफिट होता है 15%, दूसरे पे प्रॉफिट होता है 15%। तो अगर हमको यहाँ पे निकालना होगा कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, बेसिक कुछ भी 100 मान के, ठीक है, 100 सीपी मान लिया और कैलकुलेट किया, तो उसमें टाइम लगेगा। अब आप अगर देखें तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, पी, ठीक है, यहाँ पे पी अपॉन सीपी, दूसरे में क्या होगा, पी सीपी, पी वन मान लो, पी इसमें प्रॉफिट क्या हुआ, पी वन इसमें पी टू हुआ, लेकिन दोनों में क्या सेम है, जो नीचे वाली मैंने बोला क्यू, अगर पी बाई एन के फॉर्म में है, ये एन सेम हो, अगर एन दोनों में सेम हो, तो यहाँ पी वन अपॉन सीपी, यहाँ पी टू अपॉन सीपी क्या हो गया, दोनों में सेम हो गया। अब सीपी दोनों में सेम हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज वैल्यू जो अभी हमने बताया वो लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो नीचे वाला वेटेज अगर दोनों में सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 10 + 15/2। अब ये जो पी होता है ये क्या होता है, SP - CP, अगर इसका मॉड ले तो ये वैल्यू होती है, अगर लॉस होता तो ये निगेटिव आता, प्रॉफिट होता तो पॉजिटिव आता। अब यहाँ पे 7.5% डायरेक्टली आप लगा सकते हो, सीपी सेम, ये आपको पढ़ाया भी होगा मैथ्स में, लेकिन अगर फंडामेंटल आपका क्लियर है तो आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आप इसका यूज यहीं कर लेते। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों का यूज देखते रहेंगे आगे भी, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, हालांकि बस इंट्रो बताएंगे कि जैसे मिक्सचर एलिगेशन में जब एक एवरेज वैल्यू दी होती है बीज की, यहाँ पे मान लो ए वन है, ये टू है, दो डेटा दिया हुआ है, और यहाँ इन दोनों डेटा का बीच का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम रेशियो निकालते हैं ना, अगर डेराइव क्वांटिटी पी बाई एन के फॉर्म में है, यहाँ पे कुछ भी हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, अगर स्पीड ले रहे हो तो वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप पी बाई एन के फॉर्म में अगर क्वांटिटी है,
तो जो ये रेशियो आता है यहाँ पे आप जब निकालते हो इसका डिफरेंस लेके रेशियो निकालते हो तो ये n आता है, n1 n2। ये n1 n2 क्या है, नीचे वाली वैल्यू। बेसिकली ये नीचे वाली वैल्यू ही यहाँ पे मिक्सचर एग्रीगेशन में आएगा। इस चीज को हम जब क्वांट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे, लेकिन फंडामेंटल यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि जब भी ये नीचे वाली वैल्यू जब डिफरेंस लेंगे मिक्सचर एग्रीगेशन में तो ये जो रेशियो आएगा हमेशा वो क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू। अगर स्पीड दिया हुआ है 1, 2 और एवरेज स्पीड दिया हुआ है तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर रेशियो किसका आ जाएगा, T1 T2, टाइम का, कि ये कितना टाइम तक चला ये कितना टाइम तक चला। अगर हम बात करते हैं जैसे कुछ भी दिया हो और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यहाँ पे गर्ल्स का एवरेज वेट, ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ का एवरेज वेट, यहाँ क्लास का टोटल एवरेज वेट। तो एवरेज वेट निकालने के लिए हम क्या, गर्ल्स के एवरेज वेट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड किया होगा, वो क्या होगा N1। यहाँ पे बॉयज़ को क्या किया होगा, N2 से डिवाइड किया होगा। और ये एवरेज वेट क्लास का। ऐसे ही हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बस आपको एक फंडामेंटल चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो नीचे वैल्यू होती है वही डिफरेंस जब लेते हैं तो वही आता है, ठीक है। चलिए देख इसको आगे कभी हम और डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, आगे देखते हैं। तो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, क्वांटिटी होती है, वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दी गई हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है। अब बाद में क्या हमको पता चलेगा, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में इंडिकेट करते हैं, कैंडेला में क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायमेंशन, ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसको आप समझिए नेक्स्ट लेक्चर में। एक और देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आपको याद रखना है, ये आपको एक भी भूलना नहीं है, ये इसीलिए मैंने स्लाइड बना के दे दिया है यहाँ पे सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ मीटर है, केजी है, एम्पियर है, कैंडेला है, केल्विन है, मोल, ये सारी चीज़ें आपको, ये फिगर इतना अट्रैक्टिव इसीलिए दिया है ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ये 7 ये फंडामेंटल यूनिट्स याद करी जा सकती हैं। अगर बात करी जाए क्वेश्चन का तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो उसमें क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पहला क्वेश्चन इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी आपको यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो हम इसका पीपीटी बना के लास्ट में जब लेक्चर खत्म होगा जो भी उससे रिलेटेड हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब लेके आएंगे। बीच बीच में जो न्यूमेरिकल करा रहे हैं वो आपका बेस है, ठीक है, बाकी हम 100 न्यूमेरिकल लेके आएंगे हर लेक्चर के एंड में, या 50, जितना भी जरूरी होगा, ठीक है, जितने से आपका काम बन जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ मास है, करंट है, चार्ज है, लेंथ है, तो क्या ये साथ में सात, जो ये सातों दी हुई है इसमें से कोई ऐसा है कि जो इसमें मेंशन है, तो ये तीनों तो मेंशन है, मास, लेंथ और करंट, चार्ज नहीं मेंशन है, ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये AIEEE में भी आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन आप यहाँ पे आप देखिए चार्ज इसमें मेंशन नहीं है, तो इन सातों के अलावा कोई भी अगर क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, चार्ज हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है आई, जिसका कि यूनिट क्या होता है, एम्पियर। चार्ज क्या होता है, क्यू अपॉन टी को हम, अगर क्यू को हम ये डायरेक्टली, अभी तो इसका हम देखेंगे कि डिफरेंशियल क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है इंस्टेंटेनियस चार्ज, ठीक है, ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये होता है एवरेज चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, Q IT होता है, ठीक है, तो यहाँ अगर Q की यूनिट बताएं ऐसे, तो Q का अगर देखा जाए तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसको, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ चार्ज क्या आ गया, चार्ज की यूनिट क्या लिख देते हैं, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब डायमेंशन की बात अगर हम करें तो इसमें बस थोड़ा एक इंट्रोडक्शन ही हम देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और अगर हम देखेंगे कि करंट है, मान लो ये थ्री यूनिट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, चार फोर यूनिट इस डायरेक्शन में कर रही है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, ये जेड डायरेक्शन में, ठीक है, ये नेट करंट यहाँ पे क्या होगी, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये नेट करंट की वैल्यू क्या होगी, 3 + 4 = 5। करंट क्या होता है, करंट के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है कि इस डायरेक्शन में,
ये जब हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे तब। लेकिन ये क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है, डायरेक्टली आपको पूछा जाता है टेंसर क्वांटिटी। अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो फिर आप स्केलर के लिए जाइए, नहीं तो टेंसर क्वांटिटी, तो देखेंगे कि टेंसर क्वांटिटी क्या क्या होती है। ऐसे देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, वेक्टर एडिशन सम, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्शन बस यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं, आज का लेक्चर काफ़ी छोटा हम रख रहे हैं क्योंकि ये अभी हम एक तरह से समझ लेंगे कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि माइक कैसा है, माइक सेटिंग कैसी है, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में जो वॉइस था वो क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते इस पर, जो भी होगा हम एक बार में रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड करके दे देंगे, एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, ठीक है। हम 15 से 20 मिनट टाइम देंगे डेली और उसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि हम स्लाइड में इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि ये अट्रैक्टिव लगे और वहाँ पे हमको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये पेन है इससे अच्छा लिखा नहीं जाता, ये पैड ख़राब है। तो चलिए हम डायमेंशन का बाद में देखेंगे, आज ये जितने भी मिनट का लेक्चर हो आप लोग थोड़ा बियर कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से हम लेक्चर लेके आएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। इस डेमो से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं और किस डिटेल तक आप जहाँ तक जाओगे वहाँ तक पढ़ाएंगे, बस आप बने रहो हमारे साथ। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और लाइक ना करें तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।